अभी यहाँ पर रोटी बनाई जाएगी। ये माँ जी तंदूर को जलाने लगे हैं और यहाँ पर जो सहराई ख़वातीन हैं वो अपना जो सुबह का मामूल का काम होता है वो कर रही हैं। और ये इनका कमरा है, ये मैं कमरा आपको अंदर से दिखा रहा हूँ। यहाँ पर इन्होंने जो ज़रूरत का थोड़ा सा सामान है वो रखा हुआ है और इसके ऊपर आप देख सकते हैं सारा ही लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है। ये छोटी सी बच्ची उस घर से आई है यहाँ पर लस्सी लेने के लिए, तो अभी यहाँ से लस्सी लेकर ये वापस जा रही है अपने घर। हाँ जी आंटी, निकल आए मक्खन? पक्का करे पक गई मक्खन से। ये यहाँ का गाय के दूध का खालिस मक्खन है। ये देसी कुकर ने जेड़े बाजार दे विच ना 2000 नु किलो विकन दिया। अच्छा, ए अंकल जी सील होंदे? हां सील कुकर ए सील ने जेड़े बाजार दे विच 2000 नु किलो। अच्छा, इन्ना नाल जो बच्चा है किन्ने दिन दा वा? ये बच्चा तकरीबन 20 दिन दा। अच्छा अच्छा, अंकल जी इनके मैं नाम बताएं, इसका नाम क्या है? इनका नाम शक्कर। शक्कर, और वो जो आगे तेजना बिल्ली।
अच्छा वो बिल्ली है और ये वाली पिछली टोबी टोबी वो टोबी अच्छा उसके पीछे मोज आ रही अच्छा उसके पीछे मोज आ रही मोज अच्छा ये जो सब के लास्ट में ये मोज है मोज 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 बेटा आज जड़ियां ये चोल ली है ना इन्हें बंद लिया करो मोज मोज तो ये जो बचपन में इनको नाम रखे होंगे आपने नहीं जिस वे सूह पैदा ने ना फिर इन्हों जो व्डा पाने उदो इन्हें ना रख लें फिर एक एकड़ तो आ रही ने जिन्हों आवाज मारी वो आ रही है वो ये वंडा पागे इन चोलन गए चोन का तरीका भी इन्हों का वेख लो पिछड़े लत के नाल ही बन देंगे अभी यहाँ पर दूध निकाला जाएगा गाय का शुक्रिया अंकल जी जाकर अंकल जी पिए चाय मैं पी ली सर पी लें कोई बात नहीं आधी पी लें आप नहीं मैं पी ली नहीं पींदा फोके चाय दूं पी ली ये यहाँ की खालस दूध की चाय है सहरा की बहुत ही जबरदस्त और वेरी नाइस बात हो गई ये जो देसी अभी मक्खन निकाला था
उनको रोटियों पर लगाया जा रहा है। मर्चा काटा तंदूर
हाँ जी जनाब, की हाल चाल है? भेटो किनिया भेड़ा ने? 120। ये सामने सहरा चौलिस्तान में मस्जिद बनाई गई है, बहुत ही खूबसूरत। और ये जो आप सामने पानी देख रहे हैं, ये सारा पानी बारिशों का है। इस दफ़ा बारिशें बहुत ज़्यादा हुई हैं। और इसके आगे वो जो टोबा है, टोबे की हदूद यहाँ तक है। और ये जो बाकी सारा है, ये एक्स्ट्रा पानी खड़ा हुआ। जब ये पानी वाला टोबा ज़्यादा भर जाता है तो पानी इसका जो ओवर हो जाता है, और ये जो पानी ये सारा ओवर हुआ हुआ। और यहाँ पर बारिशें आने की वजह से ये जो सहरा के अंदर खुश्क झाड़ियाँ थी, आप उनके ऊपर भी देख सकते हैं फूल लगना शुरू हो गए हैं। और अभी यहाँ पर फल लगेगा उनका, फिर जो सहराई ख़वातीन होती वो उनका चार डालती हैं। और ये यहाँ पर नलका लगाया गया है, ये अभी हम देखेंगे इसमें पानी वगैरह है या नहीं। ये नलका ख़राब है, इसमें पानी वगैरह नहीं है। और वो सामने आप देख सकते हैं जो बड़ी गायें, वो यहाँ से पानी पीने के लिए आई हैं। और ये सामने मस्जिद बनाई गई है, जो यहाँ के मकामी लोग हैं और जो मुसाफिर हैं वो यहाँ पर नमाज़ पढ़ते हैं और अल्लाह की इबादत करते हैं। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ज़मीन की सतह से थोड़ा इसको ऊंचा बनाया गया है ताकि जो पानी वगैरह है वो यहाँ पर खड़ा ना हो सके। और ये देखें माशाल्लाह, यहाँ पर इन्होंने रात को चिराग वगैरह जलाते हैं। और यहाँ पर ये कुरान मजीद रखा गया है। और इसकी जो छत आप देख सकते हैं, ये पुख्ता ईंटों से बनाई गई है। और इसकी जो दीवारें हैं ये कच्ची मिट्टी से बनाई हुई हैं। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। और इसको जो दरवाज़ा लगाया गया है, ये दरवाज़ा भी मज़बूत लोहे का है।
थोड़ी देर पहले यहाँ से भेड़ों ने पानी पिया, वो पानी पीने के बाद वो आप सामने देख सकते हैं वापस चली गई हैं। तो अभी यहाँ पर जो बड़ी गायें हैं वो आ गई हैं पानी पीने के लिए। अंकल क्या नाम है आपका? मोहम्मद रजब। सर आपका? एहसानुल हक। एहसानुल हक। अच्छा सर आपके पास कितने जानवर हैं? 50। अच्छा, और उसमें जो दूध है वो कितना हो जाता है आपका रोजाना का? दूध तकरीबन कोई ना 25 किलो पाई है। अच्छा 25 किलो। वो फिर वो जो दूधी होते हैं उनको सेल करते हैं आप? हाँ। किस रेट पे? 100 रुपये। अच्छा सही गुजारा हो जाता है? गुजारा एवं टुकड़ा तो पैसे नहीं पूरे होंगे, उन्होंने वंडा ही तो पाना है। अच्छा, वो फिर करदा सिर तो चढ़ ही जाता है, वंडा भी महंगा। तो ये फिर आप कैसे करते हैं क्या साल बाद जानवर को सेल करके ये जो सारे मामला तो फिर मामला तो उन्होंने साल तो बाद 6 महीने बाद बच्चा कट्टा बेचा, दो दिन पैसे पूरे किए जो सन दिन टुकड़े। सही। फिर अगे फिर नवी गल। तो ये जो एरिया ये कौन सा एरिया है? एरिया ये चोलस्तान है। अच्छा टोबे का नाम क्या? टोबे नाम वकड़ा वाला। ये फोटाबास के एरिया में आता है? हाँ फोटाबास एरिया। या मरोड़ के एरिया में? नहीं फोटाबास। फोटाबास के एरिया यानी कि एरिया बावल नगर ना लग जाए। सही। तो आपके बच्चे कितने? बच्चे जी मेरे 5 हैं, 2 बच्चे 5 बच्चे। अच्छा नहीं ये माल के साथ अगर आप दूध सेल करो तो आपका गुजारा बड़ी मुश्किल से होता है? मुश्किल है बड़ा, मतलब कि यहाँ पर रहना भी बहुत मुश्किल है सहरा के अंदर। यहाँ पर कितने घर हैं आप? एक वो सामने एक पीछे, तकरीबन 10 घर। आप पानी कहाँ से पीते हैं? पानी है तालाब। आपके जानवर कहाँ से पीते हैं? जानवर ये तो आप भी तालाब से पीते हैं और आपके जानवर भी? जानवर। तो ये पानी पीने से पेट में दर्द या कोई बीमारी वगैरह? होवे तो ऐसा नरमी सख्ती भोगी जाने सर, मतलब कि मसला बनता है? मसला बनता है फिर असन साड़ी हुन किस पास नहीं कुछ प्रॉपर्टी तो है नहीं, पहुंच नहीं सकते। तो आप गवर्नमेंट से क्या अपील करते हैं? आपको यहाँ पर किस चीज़ की ज़रूरत है जो यहाँ पर इंतहा ज़रूरी है? फिल्टर प्लांट को ला दे। अच्छा मतलब कि टरपैन लगाई जाए पानी? टरपैन का पानी है कौड़ा। अच्छा यह कोई प्लांट ला दिता जाए जेड़ा टोबे का पानी जो ना यह फिल्टर हो जाए तो साढ़े इस्तेमाल पीने वास्ते हो जाए, क्योंकि कुत्ते भी उतो पीते हैं, माल भी उतो पीता, असं भी उतो पीने। इस वास्ते गवर्नमेंट को चाहिए कोई ऐसा प्लांट ला दे जो साढ़े टोबे थले उत्ते कर दे शायद पानी मीठा निकल आए, यानी कि जो टोबे चलो थले वाला तो कौड़ा ना, जो टोबे का पानी आ जाए तो इन कोई फिल्टर करने वाला जरा ना बंद हो जाए दिसंबर तक जरा
जनवरी फरवरी तक सियाल भी बारिश हो जाती है कोई ना कोई फिर सानू सहूलत हो जाती है। इलाका ना आबाद नहीं हो सकता क्योंकि पानी जेरे जमीन जरा कड़वा वा इस वास्ते पाकिस्तान बन तो पहले दे भी ये जरा इलाका ना इसे तो नहीं आबाद होया भी पानी कोई नहीं सही ठीक है। तो इस वास्ते गवर्नमेंट चाहिए वा भी कोई ना हल करे भी इतने कोई कुआं वगैरह बना दे जरा कम से कम पीने वाला पानी जरा ना सा महफूज हो जाए अच्छी तरह। ये कई बार गवर्नमेंट ने कहा भी आ मुख्तलिफ लोगों आते जाते रहे ने कहा भी आ लेकिन यदा कोई हल नहीं हो सके हाल तक सही अल्लाह बेहतर करेगा। तो यह मस्जिद है एक नमाज पढ़ते हैं अच्छा अच्छा ठीक है। तो बड़ी इन जो शहीद हुई है दोबारा प्रिपेयर कर लिया।